Hey guys, welcome back to the channel once again, and today's video is a much requested video. Today I'm going to share my balcony makeover video with you guys, and mera balcony garden ka bhi tour main aapke saath share karne wali hu. So please keep on watching and let us start the video. Hey guys, so as a first step of my balcony decoration, I'm going to visit the nursery. To abhi hum log nursery ke liye nikal pade hain. सो दिस इज़ द फर्स्ट स्टेप ऑफ माई बैल्कनी डेकोरेशन एंड मेरे पास एक्चुअली प्लांट्स जो थे वो ख़राब हो गए थे, सो आई रियली नीडेड टू बाई सम न्यू प्लांट्स. उसी के लिए आए हैं, सो लेट्स सी क्या प्लांट्स मिलता है. आई एम जस्ट गोइंग टू पिक समथिंग वेरी वाइज, वेरी लो मेंटेनेंस, क्योंकि ट्रैवल वगैरह करना होता है ना तो प्लांट ख़राब हो जाता है. सो लेट्स सी आज हम लोगों को क्या क्या मिलता है. साइड सारे आउटडोर प्लांट्स हैं, आई एम लुकिंग फॉर आउटडोर प्लांट्स ओनली. एंड यहाँ बहुत अच्छा फ्लावर का कलेक्शन है. हमारी शॉपिंग हो गई है ख़त्म. आई हैव गॉट दोज प्लांट्स जो मैंने ऑलरेडी दिखा दिया है आपको. ये मेरे प्लांट्स हैं एंड ज़्यादा एक्चुअली मैंने इसीलिए नहीं लिया है बिकॉज आई स्टिल वॉन्ट टू गिव सम स्पेस टू माई बैल्कनी. ज़्यादा क्राउडेड नहीं करना है, तो दैट्स वाई आई हैव चोजन ऑल दोज प्लांट्स जो बहुत ही लो मेंटेनेंस होगा एंड यू नो जिनको बहुत आसानी से हम लोग मेंटेन कर सकते हैं. एंड काफ़ी धूप है एंड उनमें से कुछ फ्लावर्स भी मैंने उठा लिया है. फ्लावर्स तो मुझे मतलब मेरे प्लानिंग में नहीं था कि फ्लावर्स लूँ, बट मैंने ले लिया है. एंड यहाँ आके मुझे बहुत अच्छा फ्लावर का जो कलेक्शन है वो देखने को मिला है. मैंने एक IGTV भी शेयर किया है आपके साथ ऑलरेडी. एंड अभी घर चलते हैं एंड देन वील स्टार्ट द नेक्स्ट स्टेप ऑफ द बैल्कनी डेकोरेशन. ओके, सो दिस इज माई बैल्कनी कम यूटिलिटी. इन वन साइड देयर इज स्पेस टू कीप द वॉशिंग मशीन, सो आई कांट रियली डू मच इन दिस सेक्शन. देयरफॉर आई न्यू दैट आई हैव टू मेक मोस्ट यूज ऑफ द वर्टिकल स्पेस of my balcony to keep it less cluttered, and that is why I have installed an iron rack in the opposite side of the wall. But in my balcony we also have the hanging clothes dryer rods. Now while installing the rack, मुझे ये ध्यान में रखना था हैंगिंग रॉड्स शुड गेट इनफ स्पेस टू कम डाउन एंड वी कैन स्टिल कीप द स्पेस फंक्शनल एज वेल. सो बिफोर इंस्टॉलिंग द रैक आई टुक मेजरमेंट्स कि हैंगिंग रॉड्स कहाँ तक नीचे आ रहे हैं एंड उसके नीचे ही मैंने रैक इंस्टॉल किया. ऑल्सो यहाँ मैंने ग्रेनाइट के दो स्लैब्स भी इंस्टॉल करवाया है. ये ग्रेनाइट स्लैब्स हमारे किचन काउंटर स्लैब की एक्स्ट्रा पीसेस है. नाउ आप इंडिविजुअल स्लैब भी खरीद के इंस्टॉल करवा सकते हैं. दीज आर सुप्रीमली स्टर्डी एंड वेरी सेफ फॉर लॉन्ग टर्म यूज. नाउ ये जो आयरन रैक है ये मैंने अमेजन से खरीदा था 3 साल पहले एंड इसको लगातार यूज करने के वजह से आप देख सकते हैं इसमें काफी रस्ट लग चुका है. सो इट्स टाइम टू गिव दिस रैक अ मेकओवर. Now if you use iron rack in your balcony, then it's best that you give a color coating beforehand so that it prevents all the rusting. As a first step, मैं बहुत अच्छे से इस रैक को क्लीन कर लूंगी. Now as a next step, I will scrub the rack with the help of a sandpaper. This step will ensure that you get rid of all the rust and excess dirt, and that will help to achieve long-lasting color. जो excess rust है वो निकल जाएगा and जो color आप apply करोगे वो काफी time तक बना रहेगा. Now I am using this water-based chalk paints from Amazon in the color mint mist. Now इनका link मैं नीचे description में डाल दूंगी. नीचे description में जो एक link है उसमें मैं सारे Amazon products mark कर दूंगी जो मैं इस garden makeover के लिए use कर रही हूँ. So you can always follow that link. Now I am showing you here the easiest method of painting. If you do not have a paint brush at your home, do not worry. You can always paint with this kind of a scrubber. ये हम लोग utensil clean करने के लिए use करते हैं and mostly सभी घरों में available रहता है. Here I am using a Scotch Brite just to show you that you can easily paint with this. But since I already have paint brushes at home, तो मैं उनको ही use कर रही हूँ. And today is day one and I am applying the first coat of the paint. Thank you.
Okay, now straight jump in day 2 and यहाँ मेरा पहला कोट सूख गया है. That's why I'm applying the second coat. तो आज मैं second coat apply कर रही हूँ and just keeping my fingers crossed कि ये जो color है बहुत निखर के आए. So it's day 2 and मैं अभी अपने बैल्कनी में हूँ. So it's around 7:30. तो बहुत सुबह सुबह मैं उठ गई हूँ एक्साइटमेंट में बिकॉज आज हमारा जो पेंट है वो सूख गया है एंड इट्स फाइनली रेडी. तो मैं आपको दिखाती हूँ हाउ इट्स लुकिंग. द कलर हैज़ कम अप ब्यूटिफुली. बहुत प्यारा लग रहा है, जैसे मैंने सोचा था बिल्कुल वैसे लग रहा है. तो मैं पास से आपको दिखाती हूँ. राइट नाउ एज अ नेक्स्ट स्टेप आज जो मैं जो करने वाली हूँ, जितने भी प्लांट्स हैं उनको अपने अपने जगह में रखने वाली हूँ. आज ठीक से प्लेस कर दूंगी तो होपफुली मेरा बैल्कनी जो है अभी थोड़ा डिसेंट दिखने लगेगा. कलर सूखने के बाद ये रैक कुछ इस तरह से दिख रहा है. नाउ आई हैव 3 वर्टिकल रैक्स जिसके ऊपर आराम से मैं अपने सारे प्लांट्स को अरेंज कर सकती हूँ. सो आई विल स्टार्ट विद अरेंजिंग द प्लांट्स नाउ. नाउ मैंने अपने बैल्कनी के फ्लोरिंग के ऊपर आर्टिफिशियल ग्रास कारपेट इंस्टॉल करवाया है. दीज आर नॉट फ्रॉम Amazon. Amazon में मुझे जो भी दिखे बहुत ही प्लास्टिक की टाइप का वाइब आ रहा था उसमें से, तो मैंने ऑर्डर करके भी रिटर्न कर दिया था. नाउ दीज आई हैव गॉट फ्रॉम अ कंपनी कॉल्ड My Cloud Forest. उनका लिंक मैं नीचे डाल दूंगी डिस्क्रिप्शन में, तो आप चेक कर सकते हैं. एंड यू कैन सी दैट आफ्टर इंस्टॉलिंग द ग्रास कारपेट द लुक एंड फील हैज़ कम्प्लीटली चेंज्ड. नाउ इस कॉर्नर में मैंने 2 लार्ज पॉट्स रखे हैं एंड आई हैव केप्ट द जनाडू एंड द एक्सोरा प्लांट देयर. ये काफी बड़े प्लांट्स हैं तो इनके लिए बड़े पॉट की जरूरत होती है. नाउ आई एम डेकोरेटिंग दिस कॉर्नर लिटिल बिट विद ऑल द टेराकोटा हैंडक्राफ्टेड प्रोडक्ट्स एंड द स्टोन बुद्धा हेड जो मैंने कुर्ग से खरीदा था. Now to utilize the maximum space, I'm using this hanging wooden rack. ये मैंने Amazon से खरीदा है, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में अगेन डाल दूंगी, तो आप चेक कर सकते हैं. काफी स्टडी प्रोडक्ट है एंड यहाँ मैं 2 पॉट स्टोर करने वाली हूँ. बैल्कनी में स्पेस की कमी है, दीज काइंड ऑफ हैंगिंग प्लांटर्स आर एब्सोल्युटली अमेजिंग. इनको आप रेलिंग से आराम से हैंग कर सकते हैं एंड दिस विल एक्चुअली एकोमोडेट 1-2 पॉट्स बहुत ही आसानी से बेस्ड ऑन द साइज. तो मैंने एक रेलिंग प्लांटर भी यूज किया है. नाउ यहाँ मैं एक टीन प्लांटर भी यूज कर रही हूँ. बहुत ही क्यूट प्लांटर है ये, मैंने एक आर्ट एंड क्राफ्ट मेला से लिया है. बट सिंस इट्स टीन तो मैं कुछ आर्टिफिशियल प्लांट इसमें रख रही हूँ. नाउ एडिंग सम सिटिंग अरेंजमेंट्स हियर. आई एम एडिंग दीज लो सिटिंग स्टूल्स जिनको हम लोग बंगाली में बोलते हैं मोड़ा. Installed these hooks with the help of a carpenter. If you have a drilling machine at home, you can even do it yourself. If you have a small or medium-sized balcony, then hanging planters are very effective to accommodate multiple plants and utilizing the vertical space very effectively. Let us come to the wall. Wall को भी मैंने maximum utilize किया है. This artificial झरोका is from Amazon. The original color was not soothing at all and hence I have repainted the झरोका. This vintage looking mirror is from a local shop. Also I have
kept these three hand-painted bottles with money plant cuttings in this hanging basket. This iron basket is from Amazon. Main link share kar dungi. I have already shared the DIY video of the Jharoka painting and the bottle paintings in my Instagram feed, so you can always go and check those out. Now let me tell you about the plants that I have. On the first rack, I have this canna plant, जिसमें occasionally बहुत अच्छा flower आता है, and this is a lemon plant just beside that. इसके पीछे ये छोटा सा जो plant है, इसका name मुझे पता नहीं है. This is something which my house help gifted me, and इसका जो leaves है, अगर आप इनको बुक्स के अंदर रखते हो तो कहा जाता है कि वहाँ से नया रूट निकलता है. आई हैव नेवर ट्राइड इट. नाउ दिस इज अ क्रीपर जो बहुत प्यारा लग रहा है ऑन द वॉल्स, एंड इट्स अ फ्लावरिंग प्लांट एक्चुअली. Now most of the time दीवार में कुछ भी हैंग करने के लिए मैंने ऐसे कमांड हुक यूज किया है. दीज आर वेरी स्टर्डी एंड दीज डू नॉट डैमेज योर वॉल्स, एंड प्रॉपर मैनुअल मिलता है इसके साथ जिसमें पता चलता है आपको कितना वेट यूज करना है. आई विल लीव द लिंक ऑफ दीज हुक्स ऑल्सो इन द डिस्क्रिप्शन. Now coming to the second rack, यहाँ मैंने रखा है एक bougainvillea plant, and this is the blooming time for them, and the color is absolutely stunning. And decoration के लिए जो भी props मैंने यहाँ use किया है, I will leave all the links in the description box for you. These are very small, cute house and fences जो मुझे काफी प्यारा लगा था. वाटर एंड कितना अच्छे से ग्रो किया है आप देख सकते हो. इसको रिसेंटली मैंने इस पॉट में ट्रांसफर किया है. एंड दिस वन इज अ कैप्सिकम प्लांट. सब्जी में खरीदे हुए कैप्सिकम के जो सीड्स बचे हुए थे उनको ही प्लांट कर दिया गया था, एंड यू कैन सी हाउ वंडरफुली द प्लांट हैज ग्रोन. एंड उसके साइड में ये है जर्बेरा प्लांट जो एक फ्लावरिंग प्लांट है. Now I think we all know this plant. This is jasmine or mogra, and इसमें ये छोटे छोटे buds already आ चुके हैं which are about to bloom. Now जब ये फूल खिलते हैं you won't trust me if I say that my entire balcony is filled with the aroma. मेरा पूरा balcony महक उठता है. Now I have hung few of the decor pieces like this fish or the bee or the terracotta lantern. Unfortunately everything I bought from local shops and crafts mela, तो उनका लिंक तो मैं आपको नहीं दे सकती, but similar products का लिंक मैं description box में जरूर डाल दूंगी, तो जाके चेक कर सकते हैं. Also this beautiful hanging which says garden is filled with love is from Amazon, तो इसका लिंक आपको जरूर मिल जाएगा. नाउ इसके बगल में मैंने रखा है हिबिस्कस प्लांट. मैंने ट्राई किया है ज्यादा से ज्यादा प्लांट्स को मैं रैक के ऊपर ही रखूं ताकि मेरा बैल्कनी लेस क्लटर्ड लगे. एंड द नेक्स्ट प्लांट इज द क्रोटन प्लांट. Coming to the last and the bottom most rack, यहाँ मैंने और तीन छोटे प्लांटर्स रखे हैं. इनमें बाकी कैप्सिकम के सीड्स जो है वो मैंने प्लांट किए थे. तो I have two more capsicum plants here and one small money plant. उसके साइड में मैंने सारे बड़े पॉट्स रखे हैं, एंड आई हैव केप्ट ऑल द बिग प्लांट्स हियर. This plant looks extremely beautiful because the color is maroonish red. I completely love this color. इसके साइड में मैंने रखा है foxtail fern. Now foxtail fern can grow very easily if maintained properly. तो मेरा plant जो है काफी बड़ा हो गया था, so I had to tie it with a rope. And इसके साइड में I have my 5 years old aloe vera plant. Aloe vera is extremely beneficial for your skin, hair and overall health, and also it needs very bare minimum maintenance. So it's a good plant for beginners as well because it needs very minimum maintenance.
With this, we are at the end of our balcony makeover. अब balcony थोड़ा अच्छा दिख रहा है. And as always, I will say, if you use your imagination and really love uplifting a place, then that will happen, my friend. ऐसे ही बहुत छोटे जगह को भी हम बहुत functional and aesthetically pleasing बना सकते हैं. So I hope you liked my small balcony and the imagination behind it. If so, then do like and share this video and subscribe तो कर ही देना अगर अभी तक नहीं किया है. मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, एंड तब तक के लिए यू टेक केयर एंड बाय बाय.